Zindabad boys. Zindabad. I'm called election commissioner. Murdabad. I'm called election commissioner. Murdabad. Rishwat Khor election commissioner. Murdabad. Gandapur. Murdabad. Zulm ke zabit hai. मैं सोशल मीडिया के थ्रू जी वी एल ए दियामर हल्का थ्री दारिल से इस टाइम मुखातिब हूँ आप सबके साथ। मेरे पीछे बैक एरिया आप देख सकते हैं, यह हल्का थ्री है। यहाँ पर मैं कुछ तफसीलात के साथ आपको आगाह करना चाहूँगा। 16-17 तारीख को रिटर्निंग अफसर ने यहाँ पर बक्से उठाकर चला गया था। उस टाइम वहाँ पर जाकर उसने जो हमारे रिटर्निंग अफसर था उसने 47 की फॉर्म पर बाकायदा तौर पर सिग्नेचर करके उसने इशू किया है। इसके बाद कल जो 18 तारीख के 11 बजे जो बिलेट पेपर थे मुलाजमीन की वो गिनती होना था, रिटर्निंग अफसर की तरफ से भी वाजह तौर पर दंदली नज़र आ रही है कि उसने 11 बजे जो मुलाजमीन की बिलेट पेपर गिनती करना था उसने 2 बजे तक उनको रोका है। जब वो गिनती कर रहा था तो बीच में इलेक्शन कमिश्नर की जो भीख भिकाऊ हुआ है उसने जो नोटिस जारी किया है उसके नोटिस को यहाँ पर जितने भी आवाम है मैं उनकी सब की वसादत से आपको बताना चाहता हूँ कि उन सब ने उस नोटिस को मुस्तरद किया है। अलहाज रहमत खालिक जमात उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार उसने भी उस नोटिस को मुस्तरद किया है। ये जो कल है सिर्फ वली गांव ग्याल से कुछ लोग यहाँ पर जम है, उन्होंने पुरअमन इजाज के लिए यहाँ पर जम हो गए। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान हाई अलर्ट के जो निगरान फोर्स आर्मी की जो हमारे मुक्तदिर उदारे उनको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ इस हलके में री पोल करवाने की नोटिस जो किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको अगर मुस्तरद नहीं किया, उसको कैंसिल नहीं किया, यहाँ के हालात खून खराबे सब के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। नारेजा होगा ना, होगा ना जिम्मेदार, होगा ना जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जय भाई, जय भाई, पाँच फौज। यहाँ पर हम अवामी मैंडेट को कभी चोरी होने नहीं देंगे। यहाँ की आवाम का कहना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है। अब जो बात रीपोल की जाती है वहाँ पर बताया जाता है कि मुकम्मल तौर पर धांधली की तरफ अभी इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से रिटर्निंग अफसर की तरफ से मुकम्मल तौर पर पीटीआई के कैंडिडेट को जिताने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ की आवाम का कहना है कि हम कभी भी उसको मंजूर नहीं करेंगे। हम अपने अवामी जो मैंडेट है, अवामी जो वोट से रहमत खालिक साहब की जो 47 की फॉर्म पर रिटर्निंग अफसर ने बाकायदा तौर पर जीत करके दिया है उसको कभी भी हम चोरी होने नहीं देंगे। हम देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू ये जो अलका एन एस 17 दारेल में जो इलेक्शन हुआ था ये बिल्कुल सही हुआ था, कोई धंधली नहीं हुई थी। हमारे जो रिजल्ट है वो इलेक्शन जो हमारा रिटर्निंग अफिसर था इसने साइन करके दिया, जो हमारे मैनेज थे जितने भी कैंडिडेट्स इनने साइन करके दिया। अभी जो एक साजिश के तहत, एक धंधली के तहत, साजिश के तहत इन लोगों ने दोबारा नोटिफिकेशन करवाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये जो हल्का अभी तो इस दारेल में एक छोटी सी वैली, एक बड़ी से घर के 50% लोग भी हैं जम नहीं हुए, तो अभी हम इस धरने को बढ़ाते हुए इंशाल्लाह हम के केज की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और वहाँ से होते हुए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की घेराव करेंगे। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस चीज़ का फौरन नोटिस ले और केयर टेकर जो सीएम है इस चीज़ का फौरन नोटिस ले और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक फेक नोटिस बीका हुआ एक नोटिस दे, हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम ये अवामी मैंडेट को कभी चोरी होना नहीं देंगे। हम इस 2 नंबर फेक इस जो इलेक्शन कमिश्नर की जो नोटिफिकेशन है इसको मुस्तरद करते हैं और इंशाल्लाह ये धरना बढ़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट इस चीज़ को फौरन नोटिस ले और इस चीज़ को वापस कर दे। Let's go.